तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बातचीत कर रहे हैं पिवट टेबल के बारे में। हमने अभी जस्ट होम मेनू को फिनिश करके हम इंसर्ट पे पहुंचे हैं, मतलब कि जो एक्सेल की बेसिक कंसेप्ट थी, जो छोटी मोटी चीज़ें थी वो हमने कर लिए हैं। अब हम बात कर रहे हैं डेटा एनालिसिस की, डेटा एनालिसिस विद पिवट टेबल की। अब जानिए इस चीज़ को कि पिवट टेबल, सबसे पहले जानते हैं कि हम ऑफिस के अंदर में पिवट टेबल क्यों यूज करेंगे, और उससे पहले जानते हैं कि ऑफिस के अंदर में हम रिपोर्ट जो बनाते हैं वो रिपोर्ट क्या होता है। व्हाट इज द रिपोर्ट? अगर हम रिपोर्ट की डेफिनेशन जाए तो रिपोर्ट इज अ समरी ऑफ द डेटा, और डेटा क्या होता है? क्लब ऑफ इंफॉर्मेशन। अब जब भी कोई रिपोर्ट बनाते हैं, हालांकि आप उसमें बहुत चीज़ करते हैं, लेकिन एटलीस्ट वो समरी ऑफ द डेटा ही होता है ना। जैसे मान लीजिए आपको मंथली सेल्स रिपोर्ट बनाया गया, तो जो डेली बेसिस में सेल्स हुए हैं उसी को मंथ में समराइज कर देना है। उसके साथ और भी बहुत सारे कैलकुलेशन आप करते होंगे, लेकिन एक्चुअली जो समराइज ही तो होता है। सो रिपोर्ट्स, किसी भी तरह की रिपोर्ट्स, किसी भी तरह की एनालिसिस इज अ समरी ऑफ द डेटा। उसका बेस स्ट्रक्चर समरी ऑफ द डेटा होता है। अब हम पिवट टेबल की डिफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो पिवट टेबल का जो माइक्रोसॉफ्ट बोलता है कि वी कैन यूज द पिवट टेबल फॉर एनालाइज द डेटा, समराइज द डेटा एंड रिप्रेजेंट ऑफ द डेटा। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि आपकी ऑफिस की डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिपोर्ट में पिवट टेबल का 60-80% योगदान हो सकता है या होता होगा। तो पिवट टेबल को सीखेंगे। अब पिवट टेबल को यूज करने से पहले कुछ चीजें हैं जो कि हमें करनी होगी। सबसे पहले एक बार अपने डेटा को चेक कर लीजिए कि आपका डेटा क्या है। अब ऐसे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम पिवट टेबल के जरिए क्या कर रहे हैं, डेटा को एनालाइज कर रहे हैं ना। तो डेटा को समझना जरूरी है कि डेटा क्या है मेरा। तो ऐसे मैंने एक सैंपल डेटा आपके सामने रखा है, उसको एक बार देख लीजिए। ये डेटा एक सेल्स का डेटा है कि किस आईडी पे डेट है, पर्टिकुलर पर्सन ने पर्टिकुलर सिटी के पर्टिकुलर एरिया में एक कोर्स को इतनी क्वांटिटी के इतने रेट पे बेचा है, इसकी अमाउंट जीएसटी टोटल इतना होता है, मंथ इतना होता है। सिंपल सा आपने डेटा को समझ लिया। उसके बाद दूसरा चीज समझना है कि आपके डेटा में कोई ब्लैंक सेल तो नहीं है, क्योंकि अगर डेटा में इस तरह से ब्लैंक रो हुआ तो आपका पिवट लगाने से पहले उसको पूरा डेटा सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर बिना सिलेक्ट किए हुए पिवट लगा दिया क्या होगा, आपका पिवट जस्ट यहां तक का ही यूज होगा, क्योंकि ये कंट्रेंट रीजन को, कंट्रोल ए को यूज करता है। सो एक बार चेकआउट कर लीजिए, अगर ब्लैंक है तो रिमूव कर दीजिए, एक दो है, ज्यादा ब्लैंक है तो फिर डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए। दूसरी चीज, आपकी हेडिंग ब्लैंक नहीं होनी चाहिए पिवट में। ऐसा इसलिए क्योंकि पिवट टेबल हेडिंग के अकॉर्डिंग ही चलता है, और पहले बता दो पिवट टेबल को ही एडवांस करके पावर बीआई और टैब्लू जैसे सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं। सो पिवट टेबल अच्छी चीज है। तो हमने इसको सिलेक्ट किया, इंसर्ट, और भी चीजें आएगी तो उसको आप फिलहाल इग्नोर करके जस्ट ओके कर दीजिए। ओके करते एक नई सीट पे आपका पिवट टेबल लग जाएगा। ये जो दिख रहा है आपका पिवट एरिया दिखता है, और यहाँ पे आपके पिवट के कंसोल है जहां से आपके फील्ड को उठा के इन चार बॉक्सेस में रखना है। इसलिए मैंने बोला था कि फील्ड ब्लैंक होनी चाहिए, क्योंकि पिवट टेबल फील्ड को ही आइडेंटिफाई करता है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। सो ए आपको ब्लैंक, यहाँ पे पिवट टेबल ब्लैंक नहीं होनी चाहिए, पिवट टेबल की हेडिंग में ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। कभी कभी पिवट लगेगा नहीं, अगर लगा भी तो फील्ड वन, फील्ड टू इस तरह से नहीं मिलेगा। अब बारी आती है कि पिवट टेबल, अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको रिपोर्ट चाहिए क्या, क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं है कि रिपोर्ट क्या बनना, क्या रिपोर्ट चाहिए, तब तक क्या बनाओगे। सो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एटलीस्ट आपको चाहिए क्या। तो बेसिकली मुझे चाहिए
किस पर्सन ने कितनी क्वांटिटी को सेल। मैं कंट्रीब्यूशन देखना चाहता हूँ पर्सन वाइज या मान लीजिए एरिया वाइज। मैं एरिया वाइज अपनी सेल्स की कंट्रीब्यूशन देखना चाहता हूँ, सिंपल सा। तो हमें क्या करना है, हमारा जो एरिया है, एरिया जो जो लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग हमारा समरी तैयार होगा, उस एरिया को उठा के मैंने रो में रख दिया। मैं इसको कॉलम में भी रख सकता हूँ लेकिन इस तरह से कॉलम वाइज आएगा, फिलहाल मैं इसको रो में रखता हूँ। अब एक चीज देखिए, डेटा में आपकी एरिया कई बार रिपीटेड है बट पिवट टेबल के अंदर में वन एरिया वन टाइप, यहाँ पे यूनिक लिस्ट ऑटोमेटिक क्रिएट होता है। उसके बाद मैंने क्वांटिटी उठाकर वैल्यू में डाला। तो एक चीज समझ लीजिए कि मैंने एरिया में रो और कॉलम के अंदर डाला क्योंकि हमें डेटा रो वाइज या हमें कॉलम वाइज चाहिए इसलिए, और वैल्यू में क्वांटिटी को से डाला कि जिसकी जिस फील्ड का टोटल निकालना है, कैलकुलेशन करना है जिस फील्ड की, उस फील्ड को यहाँ पे आपको लाना होगा। अब एक फील्ड को आप दो बार भी रख सकते हैं लेकिन सिर्फ वैल्यू के अंदर में, जैसे मैंने यहाँ पे रख दिया क्योंकि मुझे कंट्रीब्यूशन चाहिए। तो वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाके यहाँ से हम कैलकुलेशन को चेंज कर सकते हैं, लेकिन मुझे चाहिए कि ऐसा कि टोटल सबको डिवाइड करें तभी तो कंट्रीब्यूशन परसेंटेज दिखेगा। तो यहाँ पे सो वैल्यू एज में भी बहुत सारे कैलकुलेशन है, तो फिलहाल मैंने यहाँ पे परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल नहीं, हाँ ग्रांड टोटल कॉलम टोटल कर देता हूँ, कॉलम टोटल परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल इसका टोटल, देन ओके कर दिया। तो ये हमारा परसेंटेज में आ गया। अब यहाँ हमने पिवट टेबल के जो फिल लिस्ट है उसको डिलीट कर दिया। अब बात आती है कि इसको हम ऐसे ही रख सकते हैं या कि इसमें कुछ और भी कर सकते हैं, जैसे मुझे इसकी क्योंकि रो लेवल है मुझे तो यहाँ पे जोन चाहिए, यहाँ भी चेंज करना चाहते हैं, तो ऐसे हेडिंग को चेंज किया जा सकता है। तो रो लेवल को मैंने यहाँ पे कर दिया जोन, सम ऑफ द क्वांटिटी हम यहाँ पे लिख दिया टोटल सेल्स, यहाँ पे हम दे दिया कंट्रीब्यूशन, इस तरह की चेंजिंग हम कर सकते हैं। हम इसमें भी चेंज कर सकते हैं जो दिख रहा है जैसे टोटल, लेकिन चेंज किसका नहीं कर सकते, हम जो वैल्यू अमाउंट है ना इसको चेंज नहीं कर सकते, जो वैल्यू कैलकुलेट होके आई है उसको चेंज नहीं कर सकते। अब बात आती है पिवट टेबल रिपोर्ट की फॉर्मेटिंग के ऊपर। देखिए रिपोर्ट जब पिवट टेबल से बनाते हैं दो तरीके का होता है, एक रिपोर्ट होता है कि हमने हमने समरी क्रिएट कर लिया, अब इसको कॉपी करके और रिपोर्ट में डालेंगे। क्या होता है कि पिवट टेबल का यूज हम रिपोर्ट की किसी किसी पर्टिकुलर कैलकुलेशन को करने के लिए करते हैं क्योंकि एक छोटा सा पार्ट होता है किसी रिपोर्ट का, तो हम कॉपी करके वहां पे वैल्यू पेस्ट कर देते हैं। या फिर मुझे सेम ही रिपोर्ट भेजना है तो वी हैव यूज द वैल्यू पेस्ट, और हम वैल्यू पेस्ट करके भेज देते हैं। मतलब हमने पिवट नहीं भेजते, हमने सिर्फ उसकी रिपोर्ट को भेज दिया। तो आप नॉर्मल फॉर्मेटिंग जो करना चाहते हो कर सकते हो, जैसे यहाँ से बॉर्डर लगा लिया, यहाँ हमने हेडिंग पे कलर कर दिया, कुछ भी कर दिया, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपको किसी को रिपोर्ट भेजना है एज ए पिवट टेबल ताकि वो चेंज कर सके, फिल्टर लगा सके वगैरह वगैरह, तो उस केसेस में हमें क्या करना होगा, पिवट टेबल की फॉर्मेटिंग यहां से हम करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। क्यों? जब आप रिफ्रेश करेंगे तो आपका डेटा में भी इंक्रीज होगा। अब आपने नॉर्मल फॉर्मेटिंग जो किया वो 9 तक किया ना, कल ग्रेड में डेटा 18 तक आ गया तो एक्सेल को थोड़ी पता है कि इतना फॉर्मेटिंग करना है, नहीं करेगा। अब बात आती है कि रिफ्रेश ही क्यों करेंगे, रिफ्रेश करेंगे क्यों? देखिए रिफ्रेश करने के पीछे रीजन ये रहेगा कि जब डेटा में किसी तरह का हम चेंज करते हैं, देख लीजिए यहां पे है तो 0 है, तो मान लीजिए मैंने इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और इसका 18% हम निकाल लेते हैं, तो ये कैलकुलेशन, ये हमने यहां पे चेंजिंग किया ना सर, यहां पे हमने चेंजिंग किया, तो यहां हम जस्ट राइट क्लिक कर हम रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करते देखिए हमारा वैल्यू चेंज हो गया।
तो एक डेटा के अंदर किसी भी तरह का चेंज करेंगे, उस चेंज को आपके पिवट पे डायरेक्टली नहीं आएगा। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो जब रिफ्रेश करेंगे तो आपकी पिवट की जो फॉर्मेटिंग है वो रिमूव हो सकती है, जो आपने नॉर्मल फॉर्मेटिंग लगा रखा है। तो मैं नॉर्मल फॉर्मेटिंग ना लगा के, मैं पिवट टेबल, जब पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ दो नया टैब खुल के आएगा, यहाँ देख पा रहे हैं ना। इसी में से मैं डिजाइन पे जाऊंगा, और डिजाइन पे जाने के बाद मैं यहाँ से अपने हिसाब का जो डिजाइन चाहिए वो डिजाइन ले लूंगा। जी हाँ, तो आपने अगर यहां से डिजाइन चूज कर लिया तो ये पिवट टेबल का पार्ट हो गया। अब आपका डेटा कितना ये बढ़े घटे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अपना जो रिपोर्ट है, पिवट है, वो अपना रिपोर्ट कम कर देगा। इसी में अगर मान लीजिए मुझे विजुलाइजेशन चाहिए, जैसे कि चार्ट्स वगैरह चाहिए, तो आप डायरेक्ट इंसर्ट में जाके चार्ट ऐड कर सकते हो, या फिर पिवट टेबल पे भी आपके सामने पिवट चार्ट होता है, या से आप अपना पिवट चार्ट लगा सकते हो, कौन सा पिवट चार्ट आपको चाहिए। राइट क्लिक कीजिए, यहाँ से रिमूव द हाइट फिल बटन ऑन चार्ट। उसके बाद अब यहाँ पे देख रहे हैं कंट्रीब्यूशन नहीं दिख रहा है ना, तो यहाँ पे चेंज सीरीज टाइप पे जाइए, यहाँ आ रहा होगा कर्सर कॉलम से ही सेकेंडरी एक्सेस कर दीजिए, और इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट। ये एक्सेस नहीं चाहिए तो हटा सकते हैं, सॉरी एक्सेस चाहिए होगा। यहां से ऊपर में आप आते हैं पिवट टेबल के डिजाइन में, तो यहां बहुत सारे पिवट टेबल के डिजाइन्स मिलते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं, और आपका रिपोर्ट इन विद इन सेकेंड रेडी हो गया। आप इसको किसी को भी भेजना चाहे भेज सकते हैं। अब रिपोर्ट भेजते समय एक और दिक्कत आती है। अब इस फाइल जो डेटा वन में हमने अभी जो रिपोर्ट तैयार किया है, या सभी तैयार किया है, एक छोटा सा चीज़ मान लीजिए हम तैयार किए हैं, अब इसको भेजना है, तो भेजने के लिए क्या मैं मुझे पिवट का डेटा ही भेजना पड़ेगा, पूरी फाइल भेजूंगा इसके साथ डेटा चला जाएगा। तो डेटा चला जाएगा तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगी कि डेटा आपके सिक्योर हो सकता है या डेटा काफ़ी लार्ज हो सकता है। सो आप डायरेक्ट सीट को ही मूव कर सकते हैं, सीट पे राइट क्लिक करके मूव एंड कॉपी करें। अगर क्रिएट कॉपी करते तो इसकी कॉपी बन के जाती है, नहीं करते तो डायरेक्ट सीट वन मूव हो जाएगा, और यहाँ से न्यू वर्कबुक लेके एक नई फाइल में इसको आप मूव कर दीजिए। अब बोले सर नई फाइल में हमने मूव कर दिया तो क्या पिवट वर्क करेगा? 100% वर्क करेगा, क्योंकि पिवट डेटा के साथ लिंक होता है, लेकिन वो वाले लिंकिंग नहीं होती जो इक्वल करे चेंज हो जाए डिलीट हुआ तो यहाँ भी डिलीट हो जाए, नहीं, ये अपने आप पीछे अपना डेटा रख लेता है। जैसे मान लीजिए मैं डेटा वन को यहाँ सेव करके क्लोज कर दिया, अब यहाँ इसका अपना डेटा है, किसी को भी जाएगा डेटा देखने के लिए, जैसे मान लीजिए नॉर्थ का टोटल सेल्स का डेटा चाहिए, डबल क्लिक कीजिए, एक नई शीट पे पूरा नॉर्थ का डेटा आ गया। मतलब पिवट टेबल अपने बैकएंड में अपना डेटा स्टोर कर लेता है, तो आप सिर्फ पिवट टेबल भी भेज देंगे तो अपना यूज करेगा, बट वो रिफ्रेश करेगा तो दिक्कत होगी, क्योंकि रिफ्रेश करते समय इसको पिवट का ओरिजिन नहीं मिलेगा, इसको डेटा नहीं मिलेगा तो एरर देगा, तो रिफ्रेश करते समय प्रॉब्लम होगी। अच्छा, आप लोगों को दिक्कत तो नहीं हो रही है? नहीं 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 सर, सर समझ में आ रहा है सब कुछ? एकदम। आप चलिए पिवट टेबल की कुछ और चीजों पे डिस्कस करते हैं। अभी मैंने बस पिवट टेबल इंट्रोड्यूस किया है आपको। पिवट टेबल की टोटल 5 से 6 क्लासेस होगी आपकी। तो यहां हम एक बार डेटा और ओपन करते हैं। अब इस बार मुझे पिवट टेबल लगाना है, तो मैं चाहता हूं कि
कि किस सिटी के किस जोन में कितनी सेल हुआ है, सिंपल सा। तो इस बार मुझे रिपोर्ट को मैट्रिक्स फॉर्मेट में लाना है। पिवट टेबल फील्ड पे क्लिक कीजिए, आ जाएगा फिर यहाँ से आता है यार, पिवट राइट क्लिक भी करेंगे तो फील्ड लिस्ट करेंगे तो ये फील्ड आ जाएगा, लेकिन हट गया, वापस आ गया। या राइट क्लिक करके भी यहाँ से हटा सकते हैं और ला सकते हैं। अब इसमें मैंने मान लीजिए कि मुझे मैंने सिटी को रख दिया रो में, एरिया को रख दिया कॉलन में, और क्वांटिटी तो हमेशा टोटल में जाएगी जाएगी। आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका एक रिपोर्ट यहाँ तैयार हो गया। अब मुझे मान लीजिए ये जो रिपोर्ट बना है ना, इसमें बहुत सारी जगहों पे ब्लैंक है। ब्लैंक मतलब कि पुणे में सेंट्रल में कोई सेल नहीं, इसमें कोई नॉर्थ में नहीं है, वेस्ट में नहीं है, सिर्फ साउथ में। तो मैं चाहता हूँ बाकी जगहों पे जीरो आ जाए। तो यह चीज़ें कर सकते हैं राइट क्लिक करके पिवट टेबल ऑप्शंस, और यहाँ आपको दिखेगा फॉर एम्प्टी सेल, फिलहाल ये ब्लैंक है। यहाँ पे आप अपने हिसाब से जीरो या कोई वैल्यू देना चाहते हैं तो ला सकते हैं। प्रेस किया, जीरो आपके सामने आ गया। ओके, अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, हमने जो पिवट टेबल अभी लगाया है वो क्या है, मैट्रिक्स फॉर्मेट में, मैं रो एंड कॉलम फॉर्मेट में। लेकिन एक प्रॉब्लम इसके साथ होती है, एक नहीं दो प्रॉब्लम होती है। पहले कि आपका अभी तो क्या है कि आपका कॉलम कम है इसलिए सामने रिपोर्ट दिख रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पे सिटी होता या कस्टमर होते हैं, और कस्टमर काफी ज्यादा मात्रा में होते हैं तो क्या होता कि आपका जो कॉलन है ये काफी बड़ा यहां तक चला जाता और काफी दिक्कत होता है, क्योंकि हमें वर्टिकली स्क्रॉल करना तो ठीक है, हॉरिजॉन्टली में दिक्कत होता है, ऊपर से नीचे में दिक्कत ठीक होता है, लेफ्ट टू राइट प्रॉब्लम होती है। तो उस केस में मैं बताऊंगा कि आप क्या करते हैं कि एरिया को सिटी का सबसेट बना देते, तो कुछ इस तरह से रिपोर्ट आता, चाहे एरिया ऊपर लिख देते सिटी नीचे लिख देते, तो ये आपके इस तरह से रिपोर्ट बन के आ जाता। इसमें एक प्रॉब्लम और थी, जब मैं सिर्फ एरिया को अगर मैं ऊपर रख दूँ तो एक प्रॉब्लम और आती थी, जब मान लीजिए कि मैं MRP का एवरेज भी चाहिए। देखिए यहाँ पे आ गया सम ऑफ क्वांटिटीज सम ऑफ MRP, तो MRP का एवरेज निकालना है, हमने यहाँ पे एवरेज निकाल दिया यहाँ से एवरेज। तो एवरेज जब निकाला तो फिर भी देखे दो कॉलम यहाँ पे दिख गए, ऐसे तीन चार फील हो गए, तीन चार कॉलम दिखेगा और रिपोर्ट थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो जाएगी देखने में। इसलिए जब मैं एरिया को सिटी के ऊपर चाहे नीचे रखूंगा तो कुछ इस तरह से आएगी, और अब हमारे जो बाकी चीज़ें हैं, बाकी जो वैल्यूज हैं, वो इस तरह से कॉलम वाइज आते चला। अरे जी ध्यान रखिएगा कि मैंने MRP हटा दिया तो देखिए कॉलम ब्लैंक है, कॉलम में कुछ नहीं है, लेकिन जैसे मैं दो फील्ड अपने वैल्यू में रखूंगा यहाँ पे आ जाएगा सम ऑफ वैल्यूज करके। इसका मतलब है कि जो वैल्यूज है, सम वैल्यूज की जो टोटल्स है वो कॉलम वाइज आगे बढ़ेगी। बट आप चाहो तो इसके नीचे रख दीजिए, सिटी के नीचे इस तरह से आएगा कि सेंट्रल उदयपुर, ये आ गया मुंबई, ये आ गया, इस तरह से इंडिविजुअली, क्योंकि देखने में थोड़ा खराब लग रहा है, ये ठीक रहेगा। अच्छा, इसमें एक और फायदा है कि आप इस प्लस माइनस का साइन देख रहे हो ना, इसको कोलैप्स एक्सटेंड कहते हैं, इकट्ठा भी कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शंस होता है, ये आपका कोलैप्स का होता है, ये आपका एक्सटेंड का होता है। तो इससे क्या होता है कि समरी हो तो समरी हो गया, बहुत बहुत बड़ा लिस्ट है, नीचे हजारों में है, तो इस तरह से समराइज कर लीजिए। अब मैंने मान लीजिए मैंने जोन वाइज रिपोर्ट बना दिया, आप किसी को इस जोन का सिटी चाहिए क्लिक करते इस जोन का सिटी भी देख सकता है। तो एक फायदा ये रहता है, लेकिन तब यूज होता है जब रिपोर्ट को आप एज ए पिवट टेबल भेजते हैं।
अगर एज ए पिवट टेबल नहीं भेजते हैं तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे हम इसको कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट किए, पेस्ट जब वैल्यू कर दिए तो आप देखेंगे यहाँ पता नहीं चल रहा है कि सिटी कौन सा है और जोन कौन सा है। सो अब मुझे जो रिपोर्ट चाहिए वो क्लासिक फॉर्मेट में चाहिए कि मैं पहले सिटी, उसके बाद जोन, देन बाकी चीज़ें करूँ। तो ये जो एक ही कॉलम में दोनों आ रहा है, दोनों को अलग अलग कॉलम में करना है। तो उसके लिए दो तरीके हैं। एक तो आप राइट क्लिक करके पिवट टेबल ऑप्शन में आप डिस्प्ले में जाके एक क्लासिकल पिवट टेबल लेआउट को सिलेक्ट कर सकते हैं, या पिवट टेबल क्लिक करके डिजाइन में जाके रिपोर्ट में ये आपका आउटलाइन और टेबल फॉर्म जो होता है उसको ले सकते हैं। तो दो अलग अलग कॉलम में आ गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे हर जोन का टोटल है, उसको सब टोटल कहा जाता है। अब सब टोटल रखना है तो ठीक है, नहीं रखना है तो इस पर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से कीजिए सब टोटल एरिया, ये आपके सब टोटल हट गए। अब इसमें एक चीज़ और आती है कि मुझे दिक्कत होती है फिल्टर लगाने में। पिवट पे तो फिल्टर लगा लूँगा, लेकिन जब कॉपी करके कहीं और पेस्ट कर दूंगा, पिवट रिमूव कर दूंगा, तो फिल्टर जब करूँगा तो सेंट्रल उदयपुर ही आएगा, मुंबई नहीं आएगा, क्योंकि मुंबई का आएगा तो ब्लैंक है ना। मैं जैसे सेंट्रल ये दोनों में रिपीट हो जाए, ईस्ट यहाँ रिपीट हो जाए, नॉर्थ यहाँ रिपीट हो जाए, इस तरह से रिपीट हो जाए। तो सेम यहीं पर आप देखेंगे रिपीट ऑल आइटम लेवल यहाँ दिख जाए। और यहाँ पे और भी है ब्लैंक का कि हर एक फील्ड के बाद आपका ब्लैंक होगा। यहाँ पे देखिए इंसर्ट ब्लैंक, देखिए सेंट्रल खत्म हुआ एक ब्लैंक रो, ईस्ट खत्म हुआ एक ब्लैंक रो, नॉर्थ खत्म हुआ एक ब्लैंक रो। बाकी चीज को रिमूव करना है तो यहाँ से रिमूव कर दीजिए, डू नॉट रिपीट करना है तो डू नॉट रिपीट कर दीजिए। अब मैं रिपीट नहीं मर्ज करना चाहता हूँ, जी हाँ मर्ज, बट डायरेक्टली मर्ज नहीं कर सकते। तो पिवट टेबल ऑप्शंस के अंदर में सबसे पहला ही फील्ड है मर्ज सेंटर विथ लेवल। जब इसको मर्ज करके ओके करेंगे तो देखिए ये आपका मर्ज हो गया, सेंट्रल मर्ज हो गया, इस मर्ज हो गया, ये मर्ज हो गया इस तरह से। अब इसकी रिपोर्ट आप आसानी से बना सकते हैं। अब एमआरपी का कभी टोटल नहीं होता है, ध्यान रखिएगा एमआरपी का एवरेज होता है। अब ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ आप जो देख पा रहे हैं जैसे देखिए 84 पीस 20 रुपये में नहीं बिका है, 20 रुपये पर पीस के हिसाब से बिका है। तो एवरेज प्राइस जो है 20 रुपया हुआ, तो यहाँ पे एवरेज निकलेगा। तो यहाँ जब हम कैलकुलेशन फील्ड में जब एवरेज निकालते हैं तो यहीं पे हमारा नंबर फॉर्मेट होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डेसिमल्स बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो नंबर फॉर्मेट में ही आप आके दे सकते हैं। जैसे मैंने कस्टम फॉर्मेटिंग इस्तेमाल किया और हमने यहाँ पे दे दिया 00 और यहाँ पे हम लिख देते हैं पर पीस। और ओके कर दीजिए एंड ओके। तो इस तरह की चीजें भी की जा सकती है डायरेक्ट नंबर फॉर्मेटिंग अप्लाई करके, और आप यहां से भी नंबर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हो, बट दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द पिवट, बट यहां से करेंगे तो पिवट का पार्ट हो जाता है। क्लियर सर? कोई दिक्कत है आप लोगों को? नहीं सर। सबको कोई क्लियर है? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? तो आप लोग अपने अपने ईमेल आईडी मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। ये जो फाइल है ये फाइल मैं आपको भेज देता हूँ फॉर द प्रैक्टिस। इसमें एक चीज जो फिल्टर वाला है उसका यूज वो बताऊंगा सर, बताऊंगा। अच्छा पिवट टेबल को थोड़ा सा स्मॉल स्लोली पढ़े। क्यों? क्योंकि पिवट टेबल जैसे बताया कि 80% आपकी रिपोर्ट को पिवट टेबल बना सकता है, तो आप जो है उसको थोड़ा सा स्लो पढ़ेंगे तो बेटर रहेगा, प्रैक्टिस करते हुए पढ़ेंगे तो बेटर रहेगा सर। तो आपने अपनी ईमेल आईडी मुझे व्हाट्सएप कर दे ताकि मैं फाइल आपको भेज दूं प्रैक्टिस करने के लिए। जैसे मैंने बनाया है ऐसे कुछ और बनाया, बना के अपनी प्रैक्टिस शीट भेज, ठीक है? ठीक है सर। चलिए